क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड मेटल क्यूब है जिसकी एज लेंथ है 2 सेंटीमीटर और वो मूव कर रही है इन अ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड से वो क्यूब ऊपर की तरफ जा रही है। देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला, 0.1 टेस्ला इन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह पॉजिटिव जेड डायरेक्शन की तरफ है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ द क्यूब, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू फेसेस ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इज, मतलब उन फेसेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ जो एक्स के परपेंडिकुलर हो। ठीक ना, तो चलो हम बना के देख लेते हैं एक बार। क्यूब क्यूब बना के देख लेते हैं, ये ऐसे और जेड को ऐसे बना लेता हूं मैं, जेड ऐसे है बाहर की तरफ ऐसे। ठीक ना, तो ये जेड हो गया। अब यहाँ पे क्यूब बना लेते हैं, ये एक्स ये वाई ये क्यूब है, जैसे 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 इधर इधर इधर, जैसे जैसे इधर इधर इधर, ये इधर इधर इधर, ये इधर इधर इधर। ठीक ना, और ये क्यूब कहाँ जा रही है, ऊपर 6 मीटर पर सेकंड से, और एज लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। अब देखो ऊपर और नीचे वाले जो फेस है वो तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक ना, और दूसरा देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है। ठीक ना, जेड डायरेक्शन की तरफ, तो इधर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगे ना, जेड डायरेक्शन थोड़ा टेढ़ा गर्म बनाते हैं, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये दोनों फेसेस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के पैरेलल है। ठीक, अगर मैं इसमें इन दोनों फेसेस, ये फ्रंट वाला और रियर वाला जो पीछे वाली फेस है, उसके बीच अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो वो तो जीरो होगी ना, क्योंकि इसके बीच में मुझे कंडक्टर को ऐसे बांटना पड़ेगा। तो इन दोनों फेसेस के बीच में, फ्रंट वाले और रियर वाले फेस के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगी। ठीक ना, ये देख लो इस तरह से, क्योंकि जो इसमें ये क्या है, मतलब बहुत सारे रॉड का कॉम्बिनेशन है ऐसे इस तरह से। ठीक ना, और वो सारे रॉड का जो मूवमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, और हम जानते हैं कि इसमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ, इनमें से कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी एंड लेंथ, इन तीनों में से कोई भी दो क्वांटिटी एक दूसरे के अगर पैरेलल है तो इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगी जीरो। ठीक ना, तो इन दोनों फेसेस के बीच में, फ्रंट और रियर वाले फेसेस के बीच में कोई ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगी, तो इन दोनों के बीच में ही होगी। ठीक ना, इधर वाली और इधर वाली। अब कैसे देखो, अगर मैं क्यूब बनाता हूं ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये इधर इधर इधर, ये इधर इधर इधर। ठीक ना, इन दोनों फेसेस के बीच में मैंने बात की, तो ये जितने भी लेंथ वो रॉड जो बनेंगे वो तो इस तरह बनेंगे ना, सीधे सीधे ऐसे। ठीक ना, ये रॉड्स हो गए। अब इसे जब ऊपर लेके जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो ऐसे है उसे तो कट करती हुई जाएगी ना, तो इन दोनों फेसेस के बीच में ईएमएफ इंड्यूस्ड होगी। वो कुछ क्या करेंगे, वीबी, तो उधर बड़ी पोलैरिटी इधर छोटी। अब बहुत सारी रॉड्स है ना, और सब में जितनी भी ईएमएफ बनेगी, वो जितने भी मल्टीपल रॉड्स है, हम जो छोटे छोटे रॉड्स मानेंगे, पतले पतले से रॉड्स, सारी बैटरी कॉम्बिनेशन में आ जाएगी, और वो सारी कॉम्बिनेशन होगी पैरेलल, ये वाली लोअर पोटेंशियल, ये वाली हायर पोटेंशियल। ठीक ना, इन दोनों फेसेस के बीच में ईएमएफ इंड्यूस जो होगी वो जितनी एक में उतनी नेट होगी। क्लियर ना, अब ईएमएफ कितनी होगी ये देख लेते हैं। इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, बीबीएल, साइड यहां पे जो है वही लेंथ होगी 2 सेंटीमीटर है ना, तो निकाल लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.1 टकला, वेलोसिटी कितनी 6, लेंथ कितनी 2 × 10⁻², पॉइंट हटाओ इसमें एक और जोड़ो, 6 × 12, 12 × 10⁻³, तो 12 mV। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड कितनी हुई, 12 mV बी।